बेकमैन रीअरेंजमेंट। इस रीअरेंजमेंट में हम लोग ऑक्साइम को कन्वर्ट करते हैं अमाइड में। ऑक्साइम का जनरल फार्मूला हमारे पास होता है सी, यहां पर अल्काइल ग्रुप हो सकते हैं डबल बॉन्ड एन एंड ओ एच, ये ऑक्साइम होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं अमाइड में। सब्स्टिट्यूटेड अमाइड भी कह सकते हैं हम लोग। इसको आप लोग आर वन कह लें, इसको आप लोग आर टू कह लें। यानी कि ये वाला आर वन है, ये वाला आर टू है। नेक्स्ट आता है इसका मैकेनिज्म। ऑक्साइम को लिख लें आप लोग, आर वन आर टू। अब इस ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर है, ये वाला लोन पेयर टैग करेगा इस हाइड्रोजन के ऊपर। नेक्स्ट प्रोडक्ट बनेगी मेरे पास सी आर टू आर वन डबल बॉन्ड एन एंड ओ एच टू, और इस ऑक्सीजन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट ये वाला जो आर टू है ये शिफ्ट होगा इस नाइट्रोजन पे। ये वाला R2 जो है अगर यहां पर शिफ्ट कर दें तो यहां से ये वाला वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है, यानी कि अल्काइल शिफ्ट कह सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट आएगा R1 C डबल बॉन्ड N एंड R2, और इस कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज क्योंकि यहां पर कार्बन के तीन बांड बन रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में एक वाटर मॉलिक्यूल अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर। अब इस ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर है, ये लोन पेयर इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, तो नेक्स्ट बनेगा हमारे पास आर सी ओ एच टू डबल बांड एन आर टू, और इस ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में यहां से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और नेक्स्ट आएगा हमारे पास आर सी डबल बॉन्ड एन आर टू ओ एच आ जाएगा। नेक्स्ट ये वाला बॉन्ड अगर इधर शिफ्ट हो जाए तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और नाइट्रोजन को पड़ा जाएगा नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट आएगा हमारे पास आर सी डबल बॉन्ड ओ एन नेगेटिव एंड आर टू, और यहां से एक प्रोटॉन रिमूव हो जाता है, ये वाला हाइड्रोजन। अब यही नेगेटिव चार्ज जो है, ये वाला नेगेटिव चार्ज ये अटैक करेगा इसके ऊपर और नेक्स्ट आएगा हमारे पास आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच एंड आर टू। ये वाला आर वन, ये वाला आर वन, और ये भी आर वन ही आएगा, ये भी वन है, ये वन है, तो ये भी हमारे पास आर वन है। तो ये वाली प्रोडक्ट और ये वाली प्रोडक्ट दोनों सेम है, तो ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट है जिसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। सब्स्टिट्यूटेड अमाइड, तो ये हमारे पास है बेकमैन रीअरेंजमेंट विद मैकेनिज्म।